डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखे हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज कुछ नया विषय है। जब हम वेदों की बात करते हैं या वेद संहिता की बात करते हैं तो अधिकतर चार संहिताओं की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं या बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि वेद तीन ही है। जैसे ऋग्वेद में भी जो पुरुष सूक्त है उसमें अथर्ववेद के लिए छंदासी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से कहीं कहीं पर अथर्ववेद के लिए अथर्वांगिरस शब्द का भी प्रयोग हुआ है, मतलब अथर्व अंगिरस वेद के रूप में भी हुआ है। जैसे कि अथर्वेद में खुद में ही हुआ है, उसके नवे कांड के सातवें सूक्त में, महाभारत में भी कई स्थान पर आया है, याज्ञवल्क्य संहिता में भी आया है और मनुस्मृति में भी। मैक्स मुलर आदि जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि अथर्वेद में भेषज संबंधी अथर्वण जो ऋषि थे उन्होंने औषधि यानी बीमारियों के बारे में जो सूक्त लिखे थे इसलिए वो मंत्र अथर्वण द्वारा लिखे गए हैं और अंगिरस जो आता है वो इसलिए आता है कि वो अभिचारक मंत्र है, यानी जादू टोना जिसे हम कह सकते हैं छोटे छोटे अर्थ में। अब अगर ऋग्वेद में भी देखें तो दो ऋषि प्रमुख है, अथर्व और अंगिरस। हालांकि यास का एक ऋषि हुए, एक व्याकरण शास्त्री हुए हैं, उन्होंने निरुक्त में ऋग्वेद का उल्लेख करते हुए कहा है कि अंगिरस और अथर्वण वो मानव के पितर है, मतलब उनके सबसे उनके ही पितर है। और यह मृत्यु सूक्त में भी कहा है कि जब वो मृत्यु सूक्त हुआ है तो वहां पर पितरों में सबसे अधिक अंगिरस और अथर्वण का को पितर के रूप में उनका आह्वान किया गया है। और अन्य स्थानों पर भी है, जैसे अंगिरसो ना पितरो नवम वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यास। तो ये अंगिरस हमारे पितर हैं, वो आए अथर्वण के साथ में। और इस तरह से उन्होंने यास्क ने ये कहा है कि अंगिरस अग्नि के पुत्र थे, इसका अर्थ ये था कि वो शायद बहुत क्रोध वाले थे। तो उन्होंने ऋग्वेद में कहा है ये कि ते अंगिरस पुत्रास्ते अग्नि परिजग्य रे, अग्नि से उनका जन्म हुआ था इसलिए वो बहुत तीव्र थे, बहुत तेज थे। ऋग्वेद में दोनों का साथ साथ भी उल्लेख हुआ है। और जो पणी के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पणी एक जनजाति है वहां पर ऋग्वेद में जिसको वणिक कहते हैं आजकल, यानी व्यापारी है जिसका बहुत बड़े बड़े किले थे उसको इंद्र ने तोड़ दिया था, उसकी कहानी मैं अगली बार कभी सुनाऊंगी। तो वो पणियों के द्वारा भी अथर्व अंगिरस की पूजा की जाती है। और पणि इंद्र के शत्रु हैं, लेकिन पणियों के पास में अश्व भी है, पशु भी है और धन भी है। तो ऐसे धनवानों के जो गुरु हैं या वो अगर अंगिरस है तो अंगिरस का स्थान छोटा तो नहीं है। फिर कहीं पे ये भी कहा है कि यज्ञ में अथर्वा प्रसन्न है। तो और जो मैं कहानी बता रही थी कि जब शर्मा पणियों के पास जाते, मतलब एक कहानी बाद में आएगी, ये मैं कभी बाद में बताऊंगी कि एक ऐसा अंश है जहां पर इंद्र अपनी दूती को यानी अपने मैसेंजर को, शर्मा नाम की मैसेंजर जिसको कुतिया कहा गया है, श्वान कहा गया है, वो पणियों के पास जाती है, उनको धमकी देती है कि वो तो घोर अंगिरसों को जानती है, यानी वो उससे शिकायत कर देगी। और मोनियर विलियन ने भी ये कहा है कि जो अंगिरस थे उन्होंने अथर्वणों से ब्रह्म विद्या प्राप्त की, यानी अथर्वण अंगिरस हर जगह बहुत ही
महत्वपूर्ण हुए है और उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है और अन्य बाद के पश्चात के वेद में भी हुआ। तो अब क्या बात है कि अथर्वांगिरस उसको कहा गया है या अथर्ववेद कहा गया है, उसके चौथा वेद मानने में हिचकिचाने की जरूरत क्यों? तो क्या कारण क्या रहा होगा? क्योंकि अथर्वा विद्वान भी है और अथर्वा जो नाड़ी शास्त्र है, जो शरीर शास्त्र है, देह के बारे में भी जानते। तो देखिए वो समय कबीलों का था, ऋषि हम कहते हैं लेकिन वो कबीलों का वर्ग समय था और उसमें कबीलों में आपस में संघर्ष भी होते। तो जब हम किसी कबीले से जब हार जाते हैं तो हम दूसरे की बुराई करते हैं, तो ये एक तरह से प्रशंसा करना, बुराई करना, ये बहुत स्वाभाविक था। आप जिससे हार जाते हैं उससे उसकी बुराई भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अथर्ववेद को अगर आप देखें तो अथर्ववेद का जो आरंभ है वो बहुत ही जैसा कहना चाहिए कि उच्च श्रेणी का है, क्योंकि वहां पर आप पहला मंत्र से देखिए कि ये त्रिशप्ता पर्यंती विश्वा रूपाणी बिभ्रता वाचस्पति बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु। वाचस्पति की सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, वाणी यानी विद्या यानी ज्ञान की बात करते हैं, और जिसने इन तीन रूपी तीन गुणा सात जिसमें ये 3x7 दिव्य शक्तियां भ्रमण करती हैं कुछ वाचस्पति। तो ये जो त्रिसप्ता पर्यंती विश्वाभूतानि, त्रिसप्ता ये अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की दृष्टि है। दूसरा फिर इसके बाद में वो पहले तो उसका उल्लेख करते हैं कि हे वाचस्पति तुम आओ हमारे मन के साथ, हमारे साथ रहो। और इसके बाद में सबसे पहले ही सूक्त में वो कहते हैं कि सम श्रुते एव गमे मही मा श्रुते ने वीराजेश, यानी तुम हमारे वश में हो, हमारे पक्ष में हो, हमारे से द्वेष नहीं करो। और दूसरे सूक्त में ही वे मूत्र संबंधी जो रोग है उससे छूटने का प्रयास करते हैं। तो ये इसमें रोग बहुत है, देह है बहुत है। अब देखिए देह के बारे में कब सोचा जाता है? देह के बारे में जब सोचा जाता है जब हमारे पास में उसको ठीक करने की ज्ञान का उसको उसको उसकी चिकित्सा करने का ज्ञान होता है। और चिकित्सा करने का ज्ञान एक तरह से समय के साथ आता है। यहाँ पर एक सृष्टि, एक राज्य स्थापित होने की भी बात कह सकते हैं, यहाँ पर एक तरह की संस्था भी स्थापित हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर देह के से संबंधित अनेक रोगों की जो औषधियां हैं उसको भी पता लगा लिया गया है कि जल से क्या होता है या अन्य रोग से, अन्य जो जल के बारे में बहुत है, या अन्य अनेक प्रकार की जो रोग है या औषध है, औषध उसको कहते हैं, वहां पर वनस्पति ही से ही औषधियां मिलती हैं, तो उसका भी उल्लेख है। तीसरी बात यह है कि जादू टोना क्यों कहा गया? जादू टोना अगर अगर हम यूरोपीय संस्कृति में देखते हैं तो जादू टोना उनके समाज में एक समय एक काले पृष्ठ के रूप में था। यानी आप यूरोप की पुरानी संस्कृति को या मिडिल समय में देखेंगे तो वहां पर ये जो ब्लैक मैजिक है, जो काली एक उसमें घूमती है झाड़ू पे महिला, और इस तरह से उनको उनको बहुत सी महिलाओं को वहां पर मार दिया जाता था। ये आज भी बहुत से म्यूजियम है जिसमें आप देख सकते हैं। मैंने खुद ने 2-3 ऐसे म्यूजियम देखे हैं, जर्मनी में भी देखा है और मैंने इंग्लैंड में भी देखे, जहां पर उन महिलाओं को जिस पर जादू टोने का शक होता है उनको अलग अलग से पीड़ा करके मारा जाता है। तो जादू टोना उनके यहाँ दूसरा अर्थ था, लेकिन हमारे भारतीय परिवेश में जादू टोना नहीं, टोना टोटका होता है। टोना टोटका मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप घर के सामने एक नींबू और हरी मिर्च लगा देते हैं, ये टोना टोटका होता है। यहाँ किसी का किसी व्यक्ति का नाश नहीं हो रहा है, किसी को
किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा है। और इसी तरह से अनेक अनेक टोने टोटके हमारी जिंदगी में भी होते हैं कि आप कुत्ते को, काले कुत्ते को खाना दे दीजिए, या इस तरह के टोने होते हैं। तो वो टोने टोटके आपको कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर वे औषध हैं, औषध हैं। और ये जरूर है कि उन औषधों से ये प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी रक्षा करें। इसके साथ साथ तो जो दार्शनिक उच्चता है, जो श्रेष्ठता है, वह अथर्ववेद में दिखाई देती है, वो किसी अन्य वेद में नहीं दिखाई देती है, यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी नहीं। विवाह सूक्त में भी अथर्ववेद का आखिरी मंत्र ही उन सब सूक्तों से, मंत्रों से भारी पड़ जाता है, जब सबसे अंत में वो वर ने वधु को कहता है कि मैं आकाश हूँ, तुम धरती हो, मैं ऋख हूँ और तुम, मैं साम हूँ और तुम ऋचा हो, मैं, हम दोनों मिलकर समाज के लिए संतति उत्पन्न करें और साथ साथ रहें। यहाँ पर जो अलंकार है वो बहुत खूबसूरत है, वही बता देता है कि यहाँ पर एक वो ये मंत्र आपको ऋग्वेद में नहीं दिखाई देता है। दूसरा, इसके अतिरिक्त ये नहीं कि ऋग्वेद में ना, सती सूक्त तो ऋग्वेद में ही है, उसके बाद ही बाद में है, लेकिन जो अन्य सूक्त हैं, रोहित है, प्राण है, जिसमें छोटे छोटे से बहुत सी, जिनके बारे में मैं बाद में धीरे धीरे बात करूंगी, कि बहुत खूबसूरत ऐसे सूक्त हैं जो हमारे दर्शनों के, षट दर्शन के भी आधार रहे और जो हमें हमारी उपनिषदों के भी आधार रहे। यानी अथर्ववेद के बहुत से मंत्रों को उपनिषदों में दूसरी भाषा में लिया गया और फिर उपनिषदों से वही मंत्रों को गीता में और सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में गायन शैली भी, इसका जो छठा कांड है उसके बारे में मैं फिर से बात करूंगी, वहां पर गाने पर भी, हालांकि अथर्ववेद गायन से जुड़ा हुआ नहीं है और अथर्ववेद के का पाठ करने वाले आज उपस्थित नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद का प्रयोग यज्ञ में नहीं होता था। तो हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, क्योंकि अथर्ववेद का प्रयोग यज्ञ में नहीं, अथर्ववेद के जो मंत्र हैं उनका प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं था, जबकि ऋग्वेद के अधिकतर मंत्रों का प्रयोग, हालांकि देखिए मृत्यु सूत्र के भी मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में होता था। यज्ञ का मतलब इसे मृत्यु संबंधी यज्ञ है, विवाह संबंधी यज्ञ है, या शुरू से पहले मंत्र से ही अग्नि की उपासना करते हुए अधिकतर सूक्तों का या मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में होता था, लेकिन अथर्ववेद में वो यज्ञ से संबंधित नहीं है। और जब यज्ञ से संबंधित नहीं है तो जो पुरोहित समाज है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। और एक समय जब स्मृति काल आया तो यह भी कह दिया गया कि जो ब्राह्मण चिकित्सा करते हैं वो अच्छे उच्च श्रेणी के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों को तो सिर्फ यज्ञ पूजा पाठ ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। यानी देह से प्रेम है को अलग से, एक अलग तरीके से मान लिया गया, जबकि अथर्ववेद में देह की तो है ही, प्रेम तो है ही, उसकी चिकित्सा तो है ही, लेकिन बहुत सुंदर ऐसे ऐसे मंत्र हैं या सूक्त हैं जिसमें उन्होंने दर्शन के जो आधार है, जैसे व्रात्य सूक्त है, उच्छिष्ट सूक्त है, व्रात्य को रुद्र का आधार माना जाता है और उच्छिष्ट क्या को गणेश, गणपति का। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे पहले भी बताया कि हिरण्यगर्भ आदि अनेक, साथ में जो ये, क्योंकि ये समाज के बारे में, शाला के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में भी बात करते हैं और पृथ्वी सूक्त इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा सूक्त किसी भी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में पूरा हम बाद में कभी बात करेंगे, बहुत सुंदर पृथ्वी सूक्त है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसा है जो ऋग्वेद या अन्य वेदों से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो यज्ञ के लिए नहीं है, वो एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना वाचस्पति, यानी ज्ञान के लिए है, जो हमारी समझ के लिए है। और इसलिए अथर्वांगिरस कहते हुए इसको जादू टोने की जो पुस्तक मानी गई, और इसके बाद में जब यूरोपीय आए
तो उड़के तो मन में जादू टोना एक शब्द था, एक स्थिति थी, और जादू टोना वो ये नहीं समझ पाए कि भारतीय परिवेश में जादू टोना किसे कहते हैं। जादू टोना हमारे परिवेश में सामान्य घर परिवार का आधार होता है, और आधार ऐसा नहीं होता है, ब्लैक मैजिक नहीं होता था कि हम मैंने ये ऐसे मंत्र नहीं दिए। हाँ, बाद में तंत्र शास्त्र हुआ है और तंत्र शास्त्र उसके काफी बाद की स्थिति है। तो तंत्र शास्त्र में अवश्य जब काली आदि या शमशान पूजा आदि हुई है वो बहुत वेदों के बहुत बाद की स्थिति है। तो तंत्र शास्त्र में भी लोग कहते हैं कि अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो करते होंगे क्योंकि मंत्रों का प्रयोग तो हर जगह किया जा सकता है, आज भी हम करते हैं। और उसके बाद में अथर्ववेद में बहुत सुंदर प्रेम गीत भी है जो अन्य वेदों में नहीं दिखाई देते हैं। तो अथर्ववेद एक बहुत सुंदर शास्त्र है जहाँ पर यज्ञ को छोड़कर बाकी जीवन से संबंधित बातें हैं। और ऐसा होता है कि जब पुरोहिताई में यज्ञ की ज्यादा महत्व है, उसी से आपकी आमदनी होगी, वही से आप राजा को प्रसन्न करेंगे, तो इन सब मंत्रों की पुरोहिताई में आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ज्ञान कांड तो निषदों का आधार हो गए, तो इसलिए उन्हें भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए इस प्रकार की बात होती रही कि अथर्ववेद जादू टोने की है, खासतौर से यूरोपियों द्वारा, और हमारे भारतीय ने इसका विरोध नहीं किया। तो मित्रों, अब इतना ही। आप मैं बहुत संक्षिप्त में इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो आप लोग के लिए कठिन हो जाएगा, और लेकिन मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप प्रश्न पूछें, जिससे अगर मैं आपकी समस्या हो या अगर अन्य सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।